इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बजट एंड बजट प्लानर एंड दी बजट लाइन, इस वीडियो में आपको इन तीनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले है बजट, एन एस्टीमेट ऑफ अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ सेट अ पीरियड ऑफ अ टाइम अलाउ आर अ प्रोवाइड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ मनी इन अ बजट। बजट जो होता है ना, एक एस्टीमेट लगाया जाता है। एस्टीमेट किसका लगाया जाता है? एक्सपेंडिचर का, मतलब जितने हमारे अखराजात हैं और जितना हमारी इनकम है, मतलब फ्यूचर के बारे में एक प्लान करके फ्यूचर का एस्टीमेट लगाया जाता है कि कितना हमारा फ्यूचर में खर्चा होना है, कितनी हमारी इनकम आनी है और कितना हमारा, मतलब हमने कैसे इसको इस्तेमाल करना है, उसके बारे में जो सारा अंदाजा होता है, सारा एस्टीमेट होता है, उसको हम कहते हैं बजट। आपने सुना होना है, मोस्टली कंपनी से पूछा जाता है कि आपका बजट कितना है, मतलब आपने कितना खर्चा किया और किस जगह पे आपने कितना खर्चा करना है और किस जगह से आपने गेन किया है। तो फिर जो बजट है ना, एक टूल है जिसके जरिए से फ्यूचर प्लानिंग की जाती है, एडवांस में फ्यूचर प्लानिंग की जाती है कि मतलब कितना हमने, किस तरह अपनी कंट्री को, अपनी कंपनी को मैनेज करना है, किस जगह पे कितना इन्वेस्ट करना है, किस जगह से हमने कितनी मनी को रिसीव करना है और कैसे कैसे हमने पैसे को बचाना है, इन सारों चीज़ों के बारे में इसके बजट के अंदर प्लानिंग होती है। आगे बजट प्लानर, बजट प्लानर जो है एक टूल है टू वर्क आउट हो मच मनी यू हैव कमिंग इन, मतलब कितनी मनी आपसे आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव मतलब किधर से ले रहे हैं, किधर से आपके पास पैसा आ रहा है। थ्रू एक गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा जराए होता है पैसा गेन करने के लिए, पैसा गवर्नमेंट को इनकम क्रिएट करने के लिए, वो होता है टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स के जरिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करती है। तो गवर्नमेंट का तो टैक्स हो गया, तो एक कंपनी है उसने अंदाजा करना है कि उसके पास किधर से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किधर से उसके पास मनी आ रही है, पैसा आ रहा है, किधर से उसके पास इनकम आ रही है और कितनी इनकम है और कितनी जगह पर उसने इन्वेस्ट करना है। उसके बारे में जो सारा प्लान होता है कि मतलब किधर से पैसा आएगा और कैसे कैसे हमने किस जगह पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितनी प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट करना है, कितनी सैलरीज देनी है, कितनी बोनसेस देने हैं, कितनी हमने लैंड का रेंट देनी है, ये सारी जो प्लानिंग होती है ना, बजट प्लानर करता है। बजट प्लानर के अंदर ये सारी प्लानिंग होती है। आगे है बजट लाइन। बजट लाइन जो है ऑल्सो कॉल्ड एज अ बजट कॉन्स्टेंट शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू कमोडिटी डेट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट अ गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन दी पर्टिकुलर इनकम। मतलब बजट लाइन जो होती है, कम्बिनेशन होता है दो कमोडिटीज़ का, मतलब किस कमोडिटी के कंज्यूमर जो है किस पर्टिकुलर प्राइस पे इस कमोडिटी को खरीद सकता है, उसकी कितनी इनकम हो तो वो इस प्राइस को खरीदेगा, मतलब उसकी कितनी अफोर्डेबिलिटी है। दो कमोडिटी जो कमोडिटी होती है अशिया, दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन किया जाता है कि इस चीज़ को कितनी प्राइस हो, कितनी मार्केट प्राइस हो और कितना इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब इसकी इनकम कितनी हो तो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकेगा। तो इनके दरमियान में जो कॉम्बिनेशन होता है ये बजट लाइन के जरिए से हमें आइडेंटिफाई करते हैं, पता चलता है। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।